पहले तो हमें दांतों की तारीफ करते थे। अंधा था मैं, अंधा था, मेरी आंखें खराब थी उस टाइम पे। अब ठीक हो गई। गाइस वेलकम टू माय YouTube चैनल मिस्टर एलिस पटवाल, और आज मैं फिर दोबारा स्वागत करता हूं अपने व्लॉग में नेक्स्ट डे के। और आज मैं अपनी वामी को चेकअप के लिए लेके जा रहा हूं डॉक्टर के पास, और कुछ सामान है जिनने हमको दिया था उनके सामान को वापस करने हैं। एक झूला दिया था, ये इसे अनइंस्टॉल कर दिया हमने, इसे अनइंस्टॉल करके लेके जा रहा हूँ और उनको दे दूंगा जिनने दिया था। बड़े प्यार से दिया था, बहुत अच्छा दिया था। और हम निकल रहे हैं इसको लेके, वामी हमारी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। और भाई आज इन दोनों की छुट्टी है। हेलो, आप अभी शाम को आओगे ना? रेडी होने में एक घंटा लगा दिया, रेडी होने में इसी ने टाइम लगाया है। और वो हमारी मामी, आज इसका चेकअप है, इसको चेकअप कराने जा रहे हैं। बैग काम लिया है, ठीक है, चल रहे हैं, दिखा के लाते हैं उसे हम। चेकअप है, ये बैठी अपनी ताई के साथ। हेलो गाइस, कल ताई का जन्मदिन था और आज हमारे अपनी मामी को चेकअप के लिए लेके जाना। और ये जीन्स पहन लिए, ऊपर के हिस्सा पहनना बाकी है, और तुम तो काफी देर से रेडी होके बैठे रहे बाबा। और ये मेरी गुगली बैठी है, कौशी ओहो मेरी बेटा, थोड़ी सी खांसी हो रही है तो इसका चेकअप कराएंगे, और इसको बहुत पसीना आता है, पसीना बहुत आता है। चलो निकलते हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं मामी हमारी। ये रही, ये इसने टाइम लगाया बहुत ज्यादा, पीछे बहुत सारा सामान है, इसको हमें नहलाना धुलाना, सामान भी बहुत सारा है और देना भी है। जिन जो जो सामान लिया था, मतलब दिया था किसी ने प्यार से, तो देना भी है और लेना भी है। और अब हम जा रहे हैं अपनी मामी का चेकअप कराने। रूटीन चेकअप होता है, मगर रूटीन चेकअप के साथ इसको थोड़ी खांसी वगैरह भी है, तो हमने सोचा थोड़ा दिखा ही लेते हैं इसे। पीछे से गाड़ी वाला आ रहा है, पेपे कर रहा है, पेट्रोल लगवाएंगे। पूछ लेता हूँ पहले बाकी कितने का है, कैसा है, तो दो मिनट। जाते हैं जरा पेट्रोल लगा के आते हैं। अरे एसी तो चला देते यार, अंकल देख रहे कि हम उनकी वीडियो बना रहे हैं। आए बोल दो अंकल, आए पेट्रोल गिर चुका है अपना। है अंकल मेरे गौर से देख रहे थे, कह रहे थे मेरी वीडियो बना रहे हैं ये लोग, कुछ गड़बड़। तो दांत साफ भी करने होते ना, पीला ही होगा। मेरा टूथब्रश खराब हो गया यार। खराब हो गया तो वो पीला दांत तभी साफ नहीं कर पाता, अगर सही भी हो तो। क्यों? क्योंकि दांत ही ऐसा है, दांत के ऊपर दांत आ रहा है। तो क्या हो गया? मूड खराब करती सुबह सुबह। लकी होता है जो दांत के ऊपर दांत आ रहा है। पूछो मत, बहुत लकी हो रहा है। कितना गंदा सा लग रहा है। गंदा ही है। अच्छा, अब आपको मेरे दांत गंदे लग रहे हैं? पहले तो हमें दांतों की तारीफ करते थे। अंधा था मैं, अंधा था, मेरी आंखें खराब थी उस टाइम पे। अब ठीक होगी? अब ठीक होगी, अब दिख रहा है ना सब चीजें, जब आंखें साफ हो जाती है तो आंखों में से दिखता सब कुछ, ठीक है। ऐसे क्या दिख गया आपको? अब दिख गया ना, दांत टेढ़े मेढ़े हैं। आप तो दिखाना, बढ़ाती ज्यादा है, दिखाना ई करना ई। अपना क्लिनिक को चलाते हैं और बहुत बड़े फेमस डॉक्टर है, तो जो उनकी जो मिसेज है, जो मैडम है, वो है आहूजा, रश्मि आहूजा उनकी वो मैडम है जिनने इनका मेरी मिसेस का ऑपरेशन किया था और प्यारी सी हमारी बच्ची आई हमारे पास,
और उन्हीं से हमारा चेकअप चल रहा था और उन्हीं ने हमारे को डेट बताई थी कि इस डेट पे आप क्या मतलब कर सकते हो ऑपरेशन वगैरह। तो उनने बहुत बहुत बढ़िया ऑपरेशन किया जिससे कि इसको अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है और हमारी बच्ची भी बहुत अच्छी से आई है हमारे पास। एक लेडीज और थी ना जिसके दो ट्विंस हुए थे, मतलब हमारी मामी के कितने 10 दिन पहले की है और वो 23 या 24 है। हाँ, तो उस टाइम पे उसके ट्विंस हुए हैं, एक लड़का और लड़की। बस थोड़ा सा कि लड़का कमजोर था शायद, हमने खुद देखा था हमारे साथ ही उसका चेकअप, मतलब सब चीजें चल रही थी, ट्रीटमेंट वगैरह सब हमारे साथ ही चल रहा था। बट उसका उसकी डेट पहले आ गई थी तो हमने उनको ऑपरेशन के लिए प्रेफर किया, तो उन्होंने ऑपरेशन करवाया। तो बहुत अच्छे खूबसूरत बच्चे हुए उसके, तो और हमने देखे भी, मम्मी जी ने भी देखे। और अब मतलब वो बहुत फेमस डॉक्टर है यार, बहुत फेमस डॉक्टर है रे बाबा। बातों बातों में ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है हमारा काफी अच्छा रहा। आज दाल मखनी खाई थी और ये सुबह से मेरे से गुस्सा कर जा रहा है, मुझे ना हंसी आ रही। वो कभी देखा ही नहीं पाइनएप्पल बेटा, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें पसंद है, कभी देखा नहीं है। मतलब मुझे पसंद है, तो क्या मतलब पाइनएप्पल तो मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। होएगा तो होएगा, समझा रहा हूँ कि कितना टाइम लगाती है लेडी से यार तैयार होने में, बहुत टाइम, सीरियसली बहुत टाइम लगता है। और ये हाथ का दिख रहा ना एरिया, ये धुंधला धुंधला दिखाएगी मेरे को पूरे फूस में वीडियो में। दूसरे को गुस्सा दिला के तो हंसे ही ऐसे की डॉक्टर दिख रहा है, पता करके डॉक्टर के पास आ गया। हाँ एक बार ना पूछ के आ गया, ठीक है जब मैं हमारी मामी को बहुत गर्मी लगती है गाइस। गर्मी लग जाएगी अगर स्टार्ट नहीं करा। ओके बस बल्कि बैठना पड़ेगा, पंचर गाड़ी चल जाए। मामी तुम सो रही हो, अरे तुम जग गई। देख गाइस गाड़ी रुकते ही इसकी आंखें खुल गई है, और जैसी गाड़ी अभी बंद हो जाएगी ना, मतलब गाड़ी चलने लगेगी ना, तो इसकी आंखें बंद हो जाएगी और ये सो जाएगी। बताओ क्या बोल रहा है। डॉक्टर राउंड पे है अभी और वो 12 से 1 के बीच में बैठेगा, तो हमारे को 12 बजे करीब आना पड़ेगा उसको। ये मुंबई हाईवे एक्सप्रेस बन रहा है, ये पूरा जो एरिया है ये है कि जो बाय रोड जो मोदी जी चला रहे हैं, बाय रोड हम मुंबई जा सकते हैं डायरेक्टली। ये पूरा इन्हें मुश्किल से मुश्किल कितने टाइम में बना दी थी यहाँ पे, ये रोड थी नहीं, पूरा एरिया वैसा जंगल का। हाँ, जब हम अभी आए थे ना 7 मंथ में, जब मैं अपने आई थी तब ये खुदा हुआ था ना पूरा। और जल्दी रोड बनाई है ताकि ये वाला काम चालू कर सके, क्योंकि यहाँ पे थी पहले मेन रोड हमारी, आगे कट चालू करना पड़ेगा, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है दोनों तरफ से, ये दिक्कत है, इससे ना जाम बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि देखो हम यहाँ से गाड़ी यू टर्न कर रहे हैं, तो मगर उधर से भी लोग आ रहे हैं। वन वे हो गया, पूरा वन वे हो गया और यहाँ पे पूरा काम चल रहा है। देखो पूरा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, जो भी पूरा तेजी से खींच रहे हैं भाई साहब। तो हम लोग बाय कार भी जा सकते हैं, है ना? फिर तो बाय कार जाएंगे हम मुंबई। हाँ हाँ ठीक है, ये है हमारा लड़का राइडर, ये हमारा राइडर है, ये यहीं पे डिलीवरी करने आता टाटा वनन जी। देखो अच्छा इसे हमको पहचान लिया यार, मेरे बच्चे मेरे को नहीं पहचानेंगे। पहुंच गए भाई साहब, ये
इसने पूरे पूरे रास्ते में मेरा दिमाग खराब किया। क्या लगा फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ पे। पहुँच गए भाई, पहुँच गए। निकालो सामान। ये सामान है, ये सामान लेके जाना है, एक ये सामान लेके जाना है, एक वो सामान लेके जाना है। अच्छा तो तुम्हें, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी मम्मी तुमसे मिलती रहे हमेशा, है कभी बच्चे को तो प्यार करना नहीं है, बच्चा तो कभी कभार आ रहा है इसलिए, तो इसलिए बच्चे को पसंद कर रही है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना है। तो बस अपनी पढ़िए कि मेरी मम्मी मेरे को नहीं देखेगी, बच्चे को डायरेक्ट पकड़ लेगी, बच्चे को तो पकड़ते ही पकड़ते। ये देखो देखो, ये चढ़ी, ये इतनी सी चढ़ गई मेरे सर पे, देख रहे हो। ये देखो ये देखो, ये चढ़ी सर पे, ये चढ़ी सर पे मेरे, पकड़ना जरा पूरा। चलो भाई बंद कर दो, खा लेते हैं इसका जो भी सामान है। ये सामान निकाल लो, बहुत सामान लेकर आ गया धीरे धीरे। ये हो रहा क्या, होने में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमसे ना हो पाए, है भाई। सामान ज़्यादा है, ये बॉक्स देने थे, लेकर आए थे तो ले घूम रही मटकते मटकते, आ गए लिफ्ट के पास। चलो चलो लिफ्ट में। मेरी गुड्डी फोर्थ फ्लोर में अपन लोगों पर, इससे पूरे टाइम रास्ते पर मेरा बहुत मूड खराब गया, बहुत मूड खराब गया भाई। चलो अभी देखते हैं कि ये बोल रही है कि मम्मी मेरे को नहीं, मेरे से नहीं मिलेगी और डायरेक्ट इसको पकड़ लेगी। चलो ये चीज़ आते हैं कि मामी को पकड़ती है या उसकी माँ से मिलती है उसकी मम्मी। फाइनली ये लेकर आई, वैसे तो गेट खुला ही होगा। देखा 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 देखा, मामी जीत गई, मामी जीत गई, मामी जीत गई और माँ हार गई, मामी जीत गई, वामी विन हो गई भाई, वामी जीत गई। हार गई तुम, हार गई तुम बेटा। इंतजार खत्म नानी का, गुगू से मिलने का, गुगू से मिलने का इंतजार खत्म हो गया। देखो नानी गुस्सा कर रही है, अभी नानी से बात करेगी। ऊपर देखो नानी को, ये वासिया लेते हुए बाल नहीं आ रहे मेरे बच्चे के, पता नहीं तुम्हारे रोजा को देखते। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, पीछे आ गए रोजा जितने। कहीं नहीं आ रहे रोजा को देखते। इसको मैंने सारे संस्कार भुलवा दिए तुम्हारे, जो तुमने इतने दिए थे वो सारे भुलवा दिए मैंने। अब तुम्हें, अब तुम मांग के दिखाओ, आप तुम बोलोगे ना झाड़ू लगा दे तो पैसे झाड़ू फेंकेगी, बोले मार ले। ठोक ठाक के सही करके दिया था। मामा बड़ा तरस रहा था इसे मिलने के लिए। देखो देखो, इसने ही सिखाई है ये चुम्मी लेने की बातें, चुम्मी लेना इसी ने सिखाया, इसी वजह से चुम्मी ले लेके सोती है। देखो ये देखो देखो, देखो कितनी खुश हो रही है, देखा देख देख देख। रोना तो चालू नहीं करेगी, ट्रैवल एजेंट के पास आ गई हो, ट्रैवल एजेंट के पास आ चुकी है। मम्मी जी बना रही है डोसा, बड़े से पतले। अब ये आई अपने औकात पे, तो काम नहीं करेगी यहाँ बैठ के, हैं? ये इसको ना, ये मामी को नहीं लाना था, इसको खुद को आना था यहाँ पे, है ठीक है। ये ऐसी है, देखा मैंने शर्त लगाई थी इसके साथ, इसने बोला था कि नीचे की मम्मी ना गाड़ी में कह रही थी, मम्मी ना मेरे को नहीं बात करेगी, सीधा वामी को पकड़ेगी। मैंने कहा चलो देखते हैं, वामी जीत गई, वामी को पकड़ लिया आपने, और ये हार गई। अब तुम इस घर की छोटी सदस्य नहीं रहेगी, और एक और आ गई है वो भी छोटी सदस्य, तो अब उसको पकड़ा जाएगा। तुम्हारे को तो बहुत पकड़ लिया, सभी ने पकड़ते हैं, अभी भी पकड़ सकते हैं, मैं भी तुम्हारे को अभी पकड़ के घूमता हूँ। इडली मस्त वाली इडली है बाबा, इडली लपेट रही है। ये देखो मामा अपने नाखून खा रहा है, वो अपने नाखून खा रही है, मामा अपने नाखून खा रहा है, दोनों एक दूसरे
ये है मामा के और मामी की बातें जब वो दोनों जाने। ये देखो भाई बंदी भूल गई है सबको मामा के। अच्छा ऐसा है कि हम लोग ऐसे बैठे डोसा मस्त नंबर चाय मम्मी चाय क्यों नहीं किया? अरे आज नया कपड़ा क्यों नहीं किया कॉल? चलो भाई जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अपॉइंटमेंट का टाइम था 12 बजे का तो निकलते हैं। मामा ने पकड़ रखी मामी और पीछे चल रही है उसकी माँ। चलो चेकअप तो हो गया हमारी मामी का और कुछ नहीं है, थोड़ा सा कफ बताया था और थोड़ी सी हाँ काफ़ी है और थोड़ा सा हाँ गला ख़राब है। तो उस टाइम पे हमने डॉक्टर के पास इसलिए वीडियो नहीं बनाई, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रो रही थी और भीड़ बहुत थी। ये देखो बैठी कैसे, देखो 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 डॉक्टर ने एक लकड़ी का स्टिक लेके, इतनी चौड़ी सी स्टिक थी, उसके मुँह में डाली वो तो यार एकदम से, और आँखों से इतने सारे आंसू आ गए इसके, पूछ मत यार। मतलब अब इसकी मेडिसिन लेनी है, इसकी मेडिसिन लेनी है और इसको मेडिसिन खिलाने के बाद इसको देखते हैं। यार गलती कर दी कि कॉलीमैक्स होती है, तो हम पहले जिस डॉक्टर के पास गए थे उसने कॉलीमैक्स लिख के दी, तो हमने सोचा कि यार पेट वेट के लिए सही होती है। तो मैं कॉलीमैक्स की ना बहुत छोटी सी सीसी होती है, उसके अंदर मुश्किल से मुश्किल 3-4 ड्रॉप्स होते हैं ये जो देते हैं। तो मेरे को महाराज ने बोला कि यार इसके लिए ना कॉलीमैक्स का ना ज़्यादा मतलब 2-3 सी वो लेकर आ जाओ। अब मैंने जहाँ यहाँ पे आके दिखाया तो ये डॉक्टर मना करे कॉलीमैक्स नहीं देते हैं और कोलिएट देते हैं। बताओ यार वो दो मेरी फिर बिल्कुल बेकार ही हो गई यार, नुकसान। चलो कोई नहीं, बच्चे के लिए है, देखते हैं। कॉलीमैक्स तो वैसे कोई भी यूज़ कर सकता है, अगर पसंद पेट वेट में दिक्कत परेशानी होती तो कोई भी छोटे बच्चे को दे सकते हैं। तो अभी जैसे भी किसी को भी ज़रूरत होगी तो हम उसको दे देंगे, बच्चों को अगर प्रॉब्लम होती है तो। चलो फिर मिलते हैं। सो गाइस अभी ये गए हैं इस वाली केमिस्ट की शॉप पे दवाई लेने के लिए। बाबू जी यहीं खड़े हैं सामने। तो ये आ रहे हैं मिस्टर पटवाल, ये दवाइयाँ ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं इतना सारा सामान, इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ, ऐसा क्या ले लिया आपने इतना सारा? ज़्यादा भर लिया भाई। क्या क्या ले लिया? मेरे भाई ये लो चॉकलेट, आप ले चॉकलेट। थैंक यू सो मच। पकड़ो 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 पकड़ो।